Hello students, good morning to all of you. Today we are going to start next topic, that is event in sexual reproduction. So students, your questions describe event in sexual reproductions. Understood? So today we will learn about sexual reproductions, types of sexual reproductions, event and these topics. Okay, so first of all I am talking about the events of sexual reproductions may be grouped into three distinct stage, namely means यहाँ पर यह है कि जो event in sexual reproduction है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थ्री कैटेगरीज में जो है डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड है फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. कौन कौन सी घटनाएं होती हैं वो हमको देखना है. तो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो घटनाएं होते हैं उसको हम उसका फ्लो चार्ट बना लेते हैं. मेल पेरेंट्स, जो मेल पेरेंट्स होते हैं, और क्या होते हैं फीमेल पेरेंट्स. फीमेल पेरेंट्स, अंडरस्टूड, मेल पेरेंट्स एंड फीमेल पेरेंट्स. हम बोल सकते हैं कि फादर और ये मदर. अंडरस्टूड, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इवेंट, इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अंडरस्टूड, तो स्टूडेंट्स मेल पेरेंट्स एंड फीमेल पेरेंट्स तो फॉर्मेशन करेंगे किसका, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स. तो बनाएंगे क्या ये मेल गैमिट्स, क्या बनाएंगे ये मेल गैमिट्स, और ये बनाएंगे फीमेल गैमिट्स. अंडरस्टूड, क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं ये बना रहे हैं मेल गैमिट्स. अब फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं, यदि हम बात कर रहे हैं प्लांट के अंदर तो बनाएंगे पॉलन ग्रेन, क्या बनाएंगे ये पॉलन ग्रेन. यदि हम बात कर रहे हैं एनिमल के अंदर तो बनाएंगे स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन. अंडरस्टूड, फीमेल की बात करेंगे तो ओव्यूल और ओवम, है ना. हम बात करेंगे यहाँ पर यदि फीमेल के अंदर यदि इन प्लांट तो ओव्यूल फॉर्मेशंस एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल इन एनिमल्स ओवम फॉर्मेशन. अंडरस्टूड, तो ये जो है पोजीशन है तो हम इसको जो है इतनी पोजीशन को हम जो है प्री फर्टिलाइजेशन लाइजेशन इवेंट के अंदर लाते हैं. क्लियर दैट, मतलब मेल से मेल गैमिट्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो है प्री फर्टिलाइजेशन हुआ. तो ये फर्स्ट स्टेप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसके अंदर जो है क्या होता है गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है. सेकेंड स्टेप के अंदर जो है, अब फॉर एग्जांपल मेल गैमिट्स स्पर्म और फीमेल गैमिट्स ओवम क्या कर रहे हैं आपस में फर्टिलाइज कर रहे हैं, फर्टिलाइज. अंडरस्टूड, तो ये इवेंट्स जो होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट. क्या होता है ये फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, मतलब यहाँ पर जो है फर्टिलाइज हो गया है. फिर थर्ड वन के अंदर जो है जायगोट फॉर्मेशन. उसके बाद में जो है इम्ब्रियो,
or of sparing. Understood? क्या बनेगी इसके अंदर? Of sparing. तो ये बोलेंगे अपन post fertilization, post fertilization event. Understood? तो हमारा जो क्वेश्चन है यही क्वेश्चन है कि जो है थ्री कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, मेल पेरेंट जो है प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशंस एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशंस, मेल गैमिट्स, फीमेल गैमिट्स, फर्टिलाइजेशंस एंड जाइगोट फॉर्मेशंस, इम्ब्रियो एंड ऑफस्प्रिंग. अंडरस्टूड मीन्स चाइल्ड. क्लियर दैट्स? तो स्टूडेंट्स जो हमारा टॉपिक्स था इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, तो हमने जो है आपको राइट करना है द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस मे बी ग्रुप्ड इनटू थ्री डिस्टिंक्ट स्टेज, नेमली मतलब थ्री स्टेज के अंदर उसको डिवाइड किया है, द प्री फर्टिलाइजेशंस, फर्टिलाइजेशंस एंड द पोस्ट फर्टिलाइजेशंस इवेंट्स. अंडरस्टूड? फर्टिलाइजेशंस इवेंट्स, these are the events of sexual reproductions which take place before the fusion of gametes. ठीक है, मतलब fertilization के पहले की घटना है, fusion होने की पहले की घटना है ये. this include gametogenesis and gamete transfer. इसमें जो है gametogenesis process होती है. कौन सी process होती है? gametogenesis और second होती है gamete transfer. अब गैमेटोजेनेसिस होता क्या है? तो गैमेटोजेनेसिस होता है यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स नोन एज गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस मींस यहाँ पर यह है यदि मैच्योर स्पर्म फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, तो क्या प्रोसेस रहेंगी? गैमेटोजेनेसिस के थ्रू जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होगा. गैमेटोजेनेसिस किससे क्या होगा, किसका होगा? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. अंडरस्टूड? तो आपको जो है द प्रोसेस फॉर्मेशन गैमिट इज नॉन एज गैमेटोजेनेसिस. गैमिट का फॉर्मेशन हो रहा है. अब गैमिट्स कौन से हमारे पास में? या तो स्पर्म है या ओवम है. ठीक है, ये हमारे पास में क्या है? गैमेट्स है. ओके, द रिप्रोडक्टिव यूनिट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस आर स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड गैमेट्स. क्या होती है? रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती हैं और स्पेशल सेल्स होती है. क्या होती है ये? स्पेशल सेल्स होती हैं. तो ये पॉइंट भी आपको नोट डाउन करना है. फिर डिपेंडिंग अपॉन द मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज गैमेट्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू होमो गैमेट्स और आइसो गैमेट्स इन क्लेडोफोरा एंड हीटोगैमिस इन ह्यूमंस. मींस यहाँ पर यह है कि जो गैमिट्स होते हैं यदि मेल एंड फीमेल में गैमिट्स जो है कैसे हो? समान हो. कैसे हो? समान हो, सेम. कैसे हो? सेम हो, मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर. तो उसको क्या बोलेंगे अपन? उसको आइसोगैमिट्स बोलेंगे या होमोगैमिट्स? होमोगैमिट्स. क्या बोलेंगे अपन उसको? होमोगैमिट्स. अब हो रहा है यदि मेल्स के अंदर जैसे हम बात कर रहे हैं स्पर्म और इसके अंदर बात कर रहे हैं हमने ओवम, तो ये हीटरोगैमिट्स हैं. हीटरोगैमिट्स मींस यहाँ पर यह है कि स्पर्म और ओवम जो दो बन रहे हैं ये कैसे हैं? ये दोनों अलग अलग हैं. यदि मेल के अंदर होते हैं, मोस्टली एनिमल के अंदर जो होते हैं हीटरोगैमिट्स प्रेजेंस होते हैं और प्लांट्स के अंदर जो है नॉर्मली जो है बाय जो है सेम गैमिट्स भी प्रेजेंस होते हैं और हीटरोगैमिट्स भी प्रेजेंस होते हैं. अंडरस्टूड? नेक्स्ट पॉइंट है, ये पॉइंट आपको नहीं करना है. नेक्स्ट है आपका सेल डिवीज़न. इसके अंदर बाद हम बात करेंगे यहाँ पर सेल डिवीज़न की बात करेंगे.
सेल डिविजन ड्यूरिंग गैमिट्स फॉर्मेशन, गैमिट्स आर ऑलवेज हैप्लोइड। मीन्स यहाँ पर यह है कि जो सेल डिविजन होता है, तो सेल डिविजन के द्वारा जो होते हैं गैमिट्स कैसे होते हैं, हैप्लोइड्स होते हैं। मीन्स यहाँ पर यह है कि यदि हम बात करें यहाँ पर कि जो माइटोटिक डिवीज़न जो होता है, तो मीन्स यहाँ पर यह है कि ये सेल्स हैं, ठीक है, ये क्या है, सेल्स हैं। इस सेल से जो है टू सेल्स का फॉर्मेशन, फिर टू से जो है फोर सेल्स, फाइव सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये सभी सेल्स कैसी हैं, डिप्लोइड हैं। कैसी हैं, डिप्लोइड। ये सब सेल कैसी होती है, डिप्लोइड होती है। फिर डिप्लोइड के बाद में जो है किसी एक सेल को अपन देख रहे हैं यहाँ पर। यदि हमने एक सेल लिया है, सपोज दैट 2N है, तो म्यूसिस डिवीज़न के द्वारा जो है ये क्या बन जाएंगी, हैप्लोइड सेल। सो बोलेंगे अपन हैप्लोइड सेल। क्लियर दैट्स, ओके। तो माइटोटिक डिवीज़न से जो क्या बनेंगी, डिप्लोइड सेल बनेंगी, और म्यूसिस डिवीज़न से जो है हैप्लोइड सेल्स का फॉर्मेशन होगा। क्लियर। तो सेल्स डिवीज़न से बन रहा है हमारे पास में, फिर ये लिखना है आपको। फिर गैमिट ट्रांसफ़र क्या हो रहा है यहाँ पर, गैमिट ट्रांसफ़र। तो अब जो गैमिट्स बना, ठीक है, अब गैमिट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो स्पर्म ओवम के पास जाता है। जैसे कि एनिमल्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, तो स्पर्म जो होता है मोटाइल्स होता है, और जो ओवम होता है वो स्टेशनरी होता है। तो इट्स ऑकर इन वेरियस वे इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म मेल गैमिट्स मोटाइल एंड फीमेल गैमिट्स नॉन मोटाइल्स। अंडरस्टूड, बोथ द गैमिट्स आर मोटाइल एंड फ्यू है ना। और यदि हम बात करेंगे यहाँ पर फंगी और अल्गी की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो है दोनों गैमिट्स कैसे रहेंगे, मोटाइल्स रहेंगे। तो ये आपको पॉइंट नोट करना है, ये थर्ड पॉइंट आपको नहीं करना है। नेक्स्ट है, इन सेल्फ फर्टिलाइजेशन और बाइसेक्सुअल प्लांट पी गैमिट्स ट्रांसफर इजी एज द अनदर एंड स्टिग्मा एंथर एंड स्टिग्मा क्लोजली लोकेटेड इन क्रॉस फर्टिलाइजेशन प्लांट। गैमिट ट्रांसफर ओकर इन बाय पोलिनेशन। मीड यहाँ पर यह है कि जो गैमिट्स जो ट्रांसफ़र होता है थ्रो पोलिन ग्रेन्स एंड इस एंथर टू रिच स्टिग्मा। स्टिग्मा में पहुँचता है कौन, एंथर। एंथर के अंदर जो है क्या होते हैं, पोलिन ग्रेन होते हैं। पोलिन ग्रेन जो है गैमिट्स जो है फीमेल गैमिट्स के पास जाकर पहुँच जाता है, जिसे हम बात करेंगे यहाँ पर डीओसीएस प्लांट के अंदर। फिर फर्टिलाइजेशन बता चुका हूँ आप लोगों में, फर्टिलाइजेशन के अंदर जो है क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का। नेक्स्ट है, डिपेंडिंग अपॉन, ये पॉइंट आपको नहीं करना है, ये वाला पॉइंट भी आपको नहीं करना है। डिपेंडिंग अपॉन द वेयर डज सिनगेमी ऑकर, फर्टिलाइजेशन में बी टू टाइप्स, ठीक है। अब जो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट हो रहा है, वो जो है जो जाइगोट का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मींस यहाँ पर है कुछ एनिमल्स है ना, क्या करते हैं, एग का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब एग को बाहर करते हैं, और बाहर करने के बाद में क्या होता है, वो एग फर्टिलाइज होता है। और कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, बॉडी के अंदर ही एग का फॉर्मेशन करते हैं, और बाहर से जो है मेल गैमिट्स अंदर इंटर करते हैं, और करने के बाद में जो है फॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग। अंडरस्टूड। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर जो है इस तरह की प्रोसेस होती है। एग्जांपल लेंगे अपन, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बोनी फिशेस, फ्रॉग्स एक्सेट्रा, जो क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइज, मतलब वो शरीर से बाहर क्या कर सकते हैं, गैमिट जाइगोट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इंटरनल के लिए हम बात करेंगे यहाँ पर फंगी, हायर एनिमल्स सच एज ए बर्ड्स, मैमल्स एंड मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स, द नंबर ऑफ ओवा प्रोडक्ट इज लेस, बट अ लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमिट्स आर फॉर्मड, मेनी देम ऑफ इज फेल टू रीच द ओवा।
नेक्स्ट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब जब फर्टिलाइजेशन हो चुका है उसके बाद की जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो इसमें क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, बता चुका हूँ पहले भी मैं आपको, तो ये पॉइंट लिखना है आप लोगों को। फिर जो है एम्ब्रियोजेनेसिस, मतलब क्या है एम्ब्रियो, भ्रूण का निर्माण होगा, चाइल्ड का निर्माण होगा। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया आया होगा कि जो इवेंट ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्री फर्टिलाइजेशंस, फर्टिलाइजेशंस एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशंस। ओके, तो आपको जो है यहाँ तक फॉर्मेशन करना रहेगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।